अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम यूसुफ एक्टिव न्यूज में आपका खैर मकदम करता हूं। देखते हैं आज की खुसूसी खबर। स्कूल स्टूडेंट्स स्टेज अ सिट इन प्रोटेस्ट एट नाजिम तालीमात डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस बशीरबाग अगेंस्ट द इम्पोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन ऑन स्कूल स्टूडेंट्स, unnecessary increasing the number of students who are already financially backward due to lockdown and curfew is causing problems by imposing extra financial burden. The former also complained to the CEO Hyderabad against Gitanjali School. Venkata Narasimhan had heard the complaints of students and ensured that despite this, the administration of Gitanjali School was charging unreasonable fees, due to which the parents of the students were being harassed. The students demanded that Telangana Chief Minister Chandrasekhar Rao and Educational Minister Sabita Reddy take appropriate steps in the regard and issue instructions to the corporator home schools administrations regarding fees. This words is from Mujib Khan. पेरेंट हूँ, मेरे बच्चे गीतांजलि से पिछले 12 साल से जुड़े हुए हैं और ये बहुत ही दुखद समस्या है हम सबके लिए इस पैंडेमिक में। ये एक महामारी चल रही है जिसमें स्कूल वालों को भी थोड़ा कंसिडरेट होना चाहिए। हम पहली बार कंप्लेंट करे थे डीईओ मैडम से, क्योंकि स्कूल वालों ने हमें गेट के अंदर घुसने भी नहीं दिया था, हमारी कोई बातचीत भी नहीं सुनी थी। उसके बाद हम जब कंप्लेंट किए तो डीईओ मैडम आई थी, एक्शन ली थी। उन्होंने मेरे सामने बोला था कि 14,000 एनुअल टर्म फीस आपको कम करनी है। वो बात को आज 2 महीने हो गए और लगातार इस बीच में स्कूल वालों ने फी पोर्टल के साथ हमको डिफरेंट फीस का स्ट्रक्चर भेजा, जो कि आम आदमी के समझ के परे था। आज भी फीस में कोई क्लैरिटी नहीं है। हमने उनसे कहा था हमें ट्यूशन फीस का ब्रेकअप दिलवाइए, दूसरा हमें ये दिलवाइए कि हमें ये हमारी फ़ीस कम करवाइए, क्योंकि ट्यूशन फीस इतनी नहीं हो सकती किसी भी स्कूल की। 2 दिन पहले हम यहाँ आए थे तो हमने यही पूछा था आरजेडी मैडम से भी, एडी साहब से भी, कि टोटल फीस अगर स्कूल की 90,000 है तो आपके हिसाब से 90,000 में 10,000 माइनस करके क्या 80,000 ट्यूशन फीस होती है? तो उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो जब उन्होंने खुद ही ये बात बोल दी है तो स्कूल वाले हमें झूठ सच क्यों बता रहे हैं? देखिए, एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है जो हम हर साल अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए रखते हैं, ठीक है? इस समय बहुत लोगों की जॉब चली गई है, बहुत लोगों के पास पैसे नहीं हैं, इस वजह से ही लड़ाई छिड़ रही है। आज तक हमने स्कूल वाले से क्वेश्चन नहीं किया कि हमें ट्यूशन फीस का ब्रेकअप दो, लेकिन आज वो समय आ गया कि हम पूछ रहे हैं। तो अगर आपकी नीयत साफ है तो आप हमको ब्रेकअप दे दीजिए, हम चुप बैठ जाएंगे। हम कहाँ गलत है ये बताइए? हक के लिए लड़ना किस जगह पर गलत है? आज तक हमें जस्टिस नहीं मिला है। कुल मात्र 7,000 रुपये कम किए हैं स्कूल वालों ने। हम मैडम को वही बात बोलने आए थे। कल पीए साहब ने बोला रिपोर्ट रेडी आ जाइए, आज बोल रहे रिपोर्ट अभी रेडी नहीं है, 10 दिन लगेगा। अब हम क्या समझे इस बात को? 2 महीने से इन्होंने रिपोर्ट ही नहीं रेडी करी है। और इन्होंने हमारी कुलीग को बोला, हमारे मित्र को बोला कि मैडम हम आपकी फाइल क्लोज कर देंगे। आप हमारे बिलों को जस्टिस दिलाए बिना फाइल क्लोज कैसे कर देंगी? तो कहीं ना कहीं आप ये 60 गांठ बंधी हुई है, आप ये समझिए, ये 60 गांठ बनी हुई है, एकदम बनी हुई है। और ये 60 ही रहेगी तो हम ऐसे में टैक्स हम भरते हैं, अपना पेट करके इसलिए भरते ताकि ये लोग सब हो ऐसा। यहाँ पर हम लोग आए तो फीस के मुद्दे पर बात करने के लिए। हमारा कुछ टीचर से कोई मतलब नहीं है। टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रही है, वो अच्छा कार्य भी कर रही है, लेकिन वो बच्चों के लिए थोड़ा ध्यान दे। जो शायद जो सफ़र कर रहे हैं उनके लिए कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, उनको जबकि देखो उनके किताब को लेकर बच्चों को क्रश करना, पेरेंट को क्रश करना, ये सब बहुत गलत बात है। साइकोलॉजिकल सब कैंडिडेट में अभी जो जूझ रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा सोचना बहुत जरूरी है स्कूल वालों को कि हम पेरेंट भी जूझ रहे हैं और स्कूल भी जूझ रहे हैं, हम साथ में मिलकर काम करना चाहते हैं, हम लोग स्कूल के खिलाफ नहीं बात कर रहे हैं। बस प्लीज और थोड़ा ह्यूमैनिटी पेरेंट्स साथ रखना, कभी भी जो बच्चों को आप लोग क्रश कर देते हैं हर छोटी बात को लेके, और टीचर्स बोलते हैं कि यार आपका बच्चा गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि पढ़ नहीं रहा अच्छा, तो आप टीचर क्या करते हो, मैनेजमेंट क्या कर रहा है हमारे बच्चों के साथ, वो सोचना बहुत जरूरी है। हर स्कूल में साइकोलॉजिस्ट होना जरूरी है, मतलब लोग कभी अफोर्ड नहीं करते कि बच्चे की मुसीबत क्या होती है, जब छोटा बच्चा नहीं परफॉर्म करे उसके रीजन क्या होते हैं। सिर्फ एकेडमिक जरूरी नहीं है बच्चे के लिए, ओवरऑल ग्रोथ भी बहुत जरूरी है। हमारी पूरी मॉल स्कूल में ही सिर्फ स्कूल से लड़ना चाहते हैं, अगर वो हमारे आगे हम भी आगे जाके उनकी मदद करने को रेडी है। इतना साल का रिश्ता स्कूल के साथ हमारा है, तो आज कोई मैंने मन मुताबिक लेकिन आज क्यों है मन मुताबिक, क्योंकि ये हजारों की आवाज़ है। आज पैंडेमिक सोचते हुए भी हम सारे फ्रेंड्स बाहर कार पार्किंग में खड़े हैं, मगर यहाँ पर आपके सोशल डिस्टेंस के सारे नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का कुछ भी नियम उल्लंघन ना कर सके। हम सबके साथ हैं, समाज के साथ हैं, स्कूल के साथ भी हैं, मगर स्कूल हमारे साथ बिल्कुल नहीं है। हम अपने बाहर निकल के आए, पैंडेमिक का डर नहीं है, फिर भी क्यों हजारों की आवाज़ हम एक मीडिया के थ्रू पहुँचा सके। आप सब मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाने का, KCR साहब को भी पहुँचाने का कि हमारी आवाज़ सुने, डट के सुने कि हम चाहते क्या हैं आप लोगों से, हमारी सुनिए। एक पेरेंट की मजबूरी बहुत हो गई आज की तारीख में, चाहे पैसा ना हो मगर एजुकेशन डिपार्टमेंट को चेंज करना बहुत जरूरी हो गया है। सब कुछ पैसा नहीं हो गया है, एजुकेशन लैकिंग मैनी थिंग्स इन द सोसाइटी नाउ, और गुड पेरेंटिंग इज नॉट इवन गुड टीचर्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर्म द सोसाइटी नाउ। स्टूडेंट्स ऑफ गीतांजलि स्कूल जियो 46 वच्चिनाका स्कूल्स शुड रिड्यूस द फीस, स्कूल्स उट्टी ट्यूशन फी कलेक्ट చేసుకోవాలా, కానీ స్కూల్స్ గీతాంజలి స్కూల్ అయితే మొత్తం ఫీజు కలెక్ట్ చేస్తుంది. మేము రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చినాం డిఈ ఆఫీసర్కి, అయితే డిఈ ఆఫీస్కి రిప్రజెంటేషన్ చేసినాక ఒక 8% 9% ఫీజు తగ్గించినారు. వీ హ్యావ్ బీన్ మేకింగ్ రిప్రజెంటేషన్స్ అగైన్ టు ద డిఈఓ దట్ ద ఫీ 50% తగ్గాలా, ఎందుకంటే గీతాంజలి స్కూల్లో అసలు ట్యూషన్ ఫీ ఇంకా బ్రేకప్ ఏం లేదు, ఒక్క సింగిల్ టర్మ్ ఫీ టోటల్ అని ఫీ తీసుకుంటున్నారు. అయితే మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం డిఈఓ మేడంని ఈ మ్యాటర్ ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి ఫీ రిడక్షన్ కావాలని. అయితే ఇవాళ మేము మొత్తం ఒక 50-60 పేరెంట్స్ వచ్చి ఇక్కడ టీచర్కి డిఓ మేడంతో కలుసుకుంటామని వచ్చినాం, కానీ వీఆర్ అలౌడ్ టు మీట్ ఓన్లీ 2 of us, బట్ మేడం ఇంకా ఏం అవుట్కమ్ లేదు, ఇంకా ఒక 10 రోజులు అయినాక వస్తే ఏదో చూద్దామని చెప్పినారు. అయితే విల్ జస్ట్ రిక్వెస్ట్ the DO madam and the Education Minister to kindly look into this matter and consider the hardships that we are undergoing. Thank you.